अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जीएसके एडवेंचर में आप सबको मोस्ट वेलकम वंस अगेन। हम गंगा चोटी के मकाम पे खड़े हैं, सोदन गली का एरिया है यहाँ पे, और यकीन करें अनबिलीवेबल और एक अमेजिंग व्यू यहाँ पे क्रिएट हुआ है। वंडर ऑफ नेचर। और ये देखे जनाब पहाड़ों पे ये खूबसूरत बादलों का नज़ारा, कितना हसीन और अनबिलीवेबल व्यू यहाँ पे क्रिएट हुआ है। और इस साइड पे आप देखे बादलों का एक और हसीन नज़ारा, जो कि क्लर्ड्स नीचे की तरफ आ रहे ऊपर से, और ये बादल जो है ये मकबूजा वादी से इस तरफ हमारी साइड पे आ रही है। और इस साइड पे आप देखे ये बादलों का हसीन नज़ारा, और उस साइड पे हम अगर आगे आपको दिखाना चाहें तो इस साइड पे आपको मिल जाती है गंगा चोटी का रोड, और तकरीबन 10 मिनट के फासले पे आप गंगा चोटी टॉप पहुंच जाते हैं। और जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त, इस एरिया का नाम है सोदन गली, जो कि बाग आज़ाद कश्मीर से 40 से 45 मिनट के फासले पे आपको देखने को मिल जाता है। ये सीधा रोड आप देख सकते हैं जहाँ से गाड़ी आ रही है ऊपर की साइड पे, तो यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी आप यहाँ पे आ सकते हैं अगर आप आना चाहें। और इसके अलावा अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप 30 to 40 मिनट्स में आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस एरिया का स्पेसिफिक नेम है सोदन गली, और गंगा चोटी टॉप को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक रीजनेबल प्राइस पे रेजिडेंसी मिल जाती है। जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है कश्मीर हाइट्स। कश्मीर हाइट्स क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपको रीजनेबल प्राइस पे एक कंफर्ट जोन देखने को मिल जाता है। अगर आपने अपने मर्जी का खाना तैयार करना है या आपने फास्ट फूड तैयार करवानी है तो यहाँ पे आपको आपकी मर्जी और आपके लिए एक रीजनेबल प्राइस में इंतहाई मुनासिब रेट पे आपको यहाँ पे कमरे और अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। यकीन करें अनबिलीवेबल व्यू। आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ ये कुदरत के हसीन नज़ारे देखने के लिए। आप अ पीस ऑफ पैराडाइज में आ जाएं, जिसे कश्मीर कहते हैं, और एंजाइटी और अपने डिप्रेशन को क्लियर करने के लिए एक दफ़ा कश्मीर ज़रूर आ जाइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।